नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आप लोगों का एक बार से फिर हमारे इस करियर रेडिनेस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो क्यों हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में ये बात करी थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है, जो कौशल है हमारा, वो क्यों हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही हमने 7 स्टेप्स सीखे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, यानी कि समस्या समाधान के हमने 7 चरण सीखे थे, जिसमें हमने 7 लेवल्स पर अपनी एक समस्या का समाधान निकाला था। तो आई होप पिछले वीडियो में जो आप लोगों को एक्टिविटी दी गई थी वो आपने बहुत अच्छे से करी होगी और आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, हमारी सोशल लाइफ में ही नहीं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि हमारे कामकाजी वाले जीवन में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। यानी कि जब भी हम जॉब्स में होते हैं, जब भी हम ऑफिस में होते हैं, किसी प्रोफेशनल एनवायरमेंट में होते हैं, तो कैसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो साक्षात्कर्ता है, यानी कि जो हमारा इंटरव्यूअर है, वो हमारे हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है या जो डेली लाइफ है उसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में पूछता है, और साथ ही वो ये पूछता है कि आप उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका हम कैसे सलूशन निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में सीखा था कि हमने एक साथ 7 स्टेप ऑफ सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरह से 7 अलग-अलग स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम उसी तरह से अपने उस इंटरव्यू में जवाब देंगे, पर जब भी हम इंटरव्यू में जवाब देंगे हम 7 स्टेप नहीं बताने लग जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को थोड़ी हमसे ये जानना है कि क्या स्टेप्स होते हैं। वो तो हमसे ये जानना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो आइए अब हम ये सीखेंगे कि जब भी इंटरव्यूअर्स हमसे ये पूछता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, या आप अपने आने वाले लाइफ में या आम जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करते हैं, कैसे उनका सोल्यूशन निकालते हैं, तो हमें किस तरह से जवाब देना है। तो आपको अपने जवाब में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि आपको अपनी उस समस्या की स्थिति का वर्णन करना है, यानी कि क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसका आपने सलूशन निकाला, क्या सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें आपको लगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना जरूरी है। दूसरा पॉइंट कि समाधान के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, यानी आपके क्या स्टेप्स थे, आपने क्या क्या चीजें करी, कैसे करी, कहाँ गए, किन लोगों को रीच आउट किया, ये सब चीजें आपको बतानी है। उस प्रोसेस में आपको वो एक्सप्लेन करना है शॉर्ट। फिर नेक्स्ट है आपको अपने स्किल्स मेंशन करने हैं जो आपने अप्लाई किए। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लोगों से बात करी तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल अप्लाई किए, आपने किसी और से कोई कोई सोल्यूशन पूछा तो आपने अपने नेटवर्किंग स्किल्स अप्लाई किए। तो ये आपको बताना है कि आपने उस सोल्यूशन में अपने किन किन कौशलों का इस्तेमाल किया, यानी आपने अपनी क्या खूबियां उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में इस्तेमाल कर। और फिर आखिरी में आपको ये बताना है कि जो आपने सोल्यूशन निकाला उस सल्यूशन का क्या परिणाम, यानी कि क्या परेशानी जो आपने जिसका जो समाधान निकाला था वो समाधान में से क्या सल्यूशन निकल के रखे आया, यानी कि क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया उसका जब आपने किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला। तो आपको अपने आंसर में इन 4 बेसिक चीजों को ध्यान रखना, इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। जब भी आपका इंटरव्यूअर या साक्षात्कर्ता आपसे कोई भी सवाल इनसे रिलेटेड पूछता है तो सबसे पहले आपको अपनी स्थिति बतानी है, आपको बताना है कि आपने समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी, आपने अपने कौन कौन से स्किल्स यूज किए थे, और कि उस समस्या का समाधान निकालने के बाद क्या परिणाम आया।
क्या समस्या पूरी तरह से निपट गई, क्या आपने कुछ और तरीके अपनाए, तो ये सब चीजें आपको उस सवाल के जवाब में बताना होता है। आइए अब हम बात करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा यहाँ तक था। तो हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझा, जिसमें हमने समझा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या 7 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के, यानी समस्या समाधान करने के क्या स्टेप्स हैं। साथ ही हमने ये जाना कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ही इतनी ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है टकराव, ठीक। टकराव का मतलब जब दो लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और उनके जो आइडियाज हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट या टकराव। यानी कि जब व्यक्ति किसी एक तरीके से सोचता है या समझता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे तरीके से सोचता है या समझता है, तो उन दोनों के बीच में जो विरोध पैदा होता है, यानी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, उनको हम टकराव का नाम देते हैं, उन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी लाइफ में आए दिन होते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, जिनकी सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग सोचने के तरीके हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होना हमारे जीवन में एक आम बात है, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है, तो उसके बारे में हम आगे बात करें। तो अब सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि जो टकराव है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो टकराव है वो तो होता है कार्य आधारित संघर्ष, यानी कार्य आधारित टकराव। कार्य आधारित टकराव का मतलब क्या है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं या काम करने की क्या शैली अपना रहे हैं, उसके आधार पर आपके टकराव हो सकते हैं। से मान लीजिए हम ऑफिस में दो लोग हैं, मेरे काम करने का तरीका कुछ और है, सामने वाले का तरीका कुछ और हो सकता है, तो हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, वो काम के आधार पर यानी कार्य के आधार पर टकराव। दूसरा है नेतृत्व संघर्ष, यानी नेतृत्व टकराव, जिसका मतलब है कि नेतृत्व के आधार पर यानी लीडरशिप के आधार पर कि हमारे क्या कॉन्फ्लिक्ट या क्या टकराव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लीडरशिप स्किल्स में मैं कुछ अलग तरीकों को इस्तेमाल करती हूँ, कोई और अपने लीडरशिप स्किल्स में कुछ और तरीकों को इस्तेमाल करता है, तो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनमें जो टकराव होते हैं वो होते हैं हमारे नेतृत्व वाले संघर्ष या टकराव। नेक्स्ट है हमारा कार्यशैली। कार्यशैली, जैसे कि हमने बात करी कि हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम करने की पद्धति है। अब मान लीजिए कि मेरे काम करने का तरीका है कि मैं सबसे पहले सबसे छोटा काम करूंगी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हो सकता है किसी और के काम करने का तरीका कि वो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या निपटाएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना। तो ये जो कार्यशैली है, इसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं कार्यशैली के आधार पर टकराव या संघर्ष। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनालिटी बेस्ड मतलब कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, हर व्यक्ति के सोचने विचारने का तरीका अलग है, तो उसके आधार पर जो डिफरेंसेस है हमारे बीच में या जो भेदभाव है हमारे बीच में, वो हमारे होते हैं पर्सनालिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो हमारे बीच में भेदभाव है, वो भेदभाव किसी भी आधार पर हो सकता है, हमारी सोच के आधार पर, हमारी विचारधाराओं के आधार पर, हमारे खाने पीने के आधार पर, हमारे कलर पसंद करने के आधार पर। तो ये जो भेदभाव है इनकी वजह से जो टकराव पैदा होता है उसे हम भेदभाव। और नेक्स्ट है क्रिएटिव आइडिया कॉन्फ्लिक्ट। क्रिएटिव आइडिया कॉन्फ्लिक्ट से हमारा अर्थ है कि हो सकता है मेरे सोचने का तरीका या मेरी जो क्रिएटिविटी है वो अलग है और किसी और की अलग होती है, ये चीजें कॉमन है हमारी लाइफ।
हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिनका एक काम करने का एक तरीका होता है, किसी का काम करने का दूसरा तरीका होता है, तो उनके बीच में जो टकराव हो रहे हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिव आइडिया कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके रचनात्मक विचारों के आधार पर जो संघर्ष हो रहा है वो। तो ये अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, और ये हमारे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं, है ना। कई बार हो सकता है कि मेरी बहन को दाल खाना पसंद है, मेरे को सब्जी खाना पसंद है ना, तो हमारा उस बात पे झगड़ा हो गया, उस बात पर हमने भी बात कर लिया। तो ये हमारी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉमन है, बट जरूरी है कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हैं। क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे ही बने रहने देते हैं, या इनका कोई सलूशन निकालते हैं, या इनको बने रहना देना चाहिए, या इनका सलूशन निकालना चाहिए, इसके बारे में हम आगे। तो अब हम ये बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरे नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट अच्छे भी होते हैं। अब अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है वो हमें एजुकेट करते हैं। एजुकेट मतलब कि जब भी हमारे लोगों के बीच में टकराव होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें हमारे हमें आप हमें अपने आप को मौका देते हैं ओपन करने का, अपने आप को खुली सोच करने का, और साथ ही हमें मौका देते हैं सोचने का। अब जैसे ये मान लीजिए कि आप एक कमरे में अकेले हैं, और आपको उस कमरे में आपको पता है कि सिर्फ आपके आइडियाज है, तो आप सिर्फ उतना ही कह पाएंगे जितना आपको आता है, आप उतना ही समझ पाएंगे जितना आप समझ सकते हैं। बट अगर उस कमरे में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अलग दिमाग हैं, 10 लोग अलग जगह से आए हैं, अलग आइडियाज हो सकते हैं उनके, वो अलग लोगों को जानते हैं, तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारे पास आइडियाज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि जब सब लोग अपने अपने आइडियाज, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, तो फायदा ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों को लेकर के देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव आउटकम्स है, यानी कि जो अच्छी बातें हैं कॉन्फ्लिक्ट की, वो क्या क्या होती है? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक डिबेट स्टैब्लिश करता है, यानी एक वाद विवाद पैदा करता है, जिसकी वजह से जो भी हम फैसले लेते हैं उन फैसलों में हमें चॉइसेस मिल जाती है। जैसे अगर मैं अकेले कोई फैसला लूंगी, हो सकता है मैंने सोचा कि मुझे ये खाना है तो मैं यही खाऊंगी, मगर अगर मेरे पास 4 फ्रेंड्स हैं, 10 लोग हैं, और सबके पास अलग अलग वैरायटीज हैं, तो हो सकता है मुझे किसी और से कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए, है ना। तो ये क्या करता है, एक डिबेटफुल यानी एक वाद विवादक वाला माहौल तैयार करता है, जिसकी वजह से हम जो भी फैसले लेते हैं उन फैसलों को लेने में हमारे पास चॉइसेस होती है। नेक्स्ट है कि जो भी हमें लगता है कि जो भी हमने फैसला ले लिया वो हमने एक अजम्पशन बना ली कि सही है, पर जब वाद विवाद होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारे उस अजम्पशंस पर क्वेश्चन किए जाते हैं, उन पर सवाल उठते हैं। मान लीजिए मेरी एक अजम्पशन है कि भाई जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों का तो वो तो हिंदी में बात ही नहीं करते, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, मगर अगर मैं और लोगों से मिलूंगी जो दिल्ली में रहे हैं या दिल्ली के लोगों को जानते हैं, तो जो मेरा एक अजम्पशन है, जो मैंने एक सोच रखी हुई है कि भाई दिल्ली में तो लोग सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं, वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, ये क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करता है। जितना ज्यादा हम ज्यादा लोगों से बात करते हैं, ज्यादा लोगों के आइडियाज सुनते हैं, उतने ज्यादा हमें नए क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाता है जिससे कि जो जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल होता है, यानी बहुत ही ज्यादा खुला होता है, लोग वहां पर सुनने के लिए तैयार होते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो मेरे क्या होंगे, मेरे आइडियाज ओपन होंगे, मैं बहुत ही ज्यादा रेडी होंगी लोगों की सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के आइडियाज को सुना है, जाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमें ये मदद करता है कि हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, हो सकता है वो अपनी जगह पर सही है, और हो सकता है हम अपनी जगह पर सही है। साथ ही ये जो टीम का कोहेशन है वो मेंटेन करता है, यानी कि लोगों में एक दूसरे को साथ जोड़ने या
या जो एक दूसरे के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के आइडियाज को जानते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर हम बाकी डिसीजंस लेते हैं। तो हमेशा ये सोचना कि कॉन्फ्लिक्ट बुरा ही होता है, ये गलत होगा। कॉन्फ्लिक्ट से हमें कई सारे फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब तक घर में झगड़े नहीं होते अच्छे फैसले नहीं लिए जा सकते। क्योंकि अगर एक ही इंसान सारे फैसले ले रहा है और सब चीजें बता रहा है, तब तो कोई उसमें इंटरेस्टिंग बात है ही नहीं। जब तक 10 लोगों की बात ना हो, 10 लोगों के आइडियाज ना हो, कोई भी काम बेटर तरीके से नहीं हो सकता। तो कॉन्फ्लिक्ट के इतने सारे फायदे हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, या किस तरह से हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पर रिएक्ट कर सकते हैं, और उस रिएक्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग ये सोचें कि क्या आपका आपके किसी भी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल आपका हुआ है, और उस माहौल में आपने क्या किया, आपका क्या रिएक्शन रहा है, और उस रिएक्शन के होने का क्या कारण रहा। ठीक है? तो अब हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि किस तरह के रिएक्शन दिए जा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।